हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं कुसुम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो फेस पे पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं उनसे हमें कैसे डील करना है, उनको कैसे हम स्पेशल ट्रीटमेंट दें सो दैट कि वो फेड हो जाए और धीरे धीरे गायब हो जाए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे पिंपल्स तो फेस पे हो ही जाते हैं और पिंपल्स से हम फिर भी निपट लेते हैं, 2 या 3 दिन में पिंपल्स फिर भी हमारे ठीक हो जाते हैं, पर जो वो अपने पीछे जो मार्क्स छोड़ के जाते हैं, जो पिंपल्स के दाग छोड़ के जाते हैं, वो आसानी से नहीं जाते और काफ़ी टाइम लगता है उन्हें फेड होने में और वो काफ़ी ज़्यादा गंदे भी लगते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप वो जो पिंपल्स के मार्क्स आपके फेस पे रह गए हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ पिंपल्स के मार्क्स ही नहीं, अगर आपके फेस पे कोई चोट का निशान है या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई चोट का निशान आपके है तो उस पर भी आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, इससे जरूर फायदा होने वाला है आपको। और अगर आप पिंपल्स के मार्क्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो आपकी स्किन टोन है वो भी एक लेवल अप जाएगी, मतलब थोड़ी फेयर हो जाएगी। तो देखा जाए तो पिंपल्स के मार्क्स भी गायब होने वाले हैं, स्किन भी फेयर होने वाली है, तो फायदा ही फायदा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिए। हमें चाहिए सबसे जो मेन चीज है वो चाहिए हमें एक आलू, बेसन हमें चाहिए, ग्राम फ्लोर, हनी हमें चाहिए और लेमन हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें लेके आइए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक DIY एक पैक जिससे आपको फायदा होने वाला है और आपके जो पिंपल्स के मार्क्स हैं वो गायब होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक आलू लिया है, उसे मैंने ग्रेट करके उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया था, 1 टेबल स्पून के अराउंड ये होगा। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बेसन, उसके बाद हनी और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लेमन। आप कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, हर एक चीज़ यूज़ कीजिएगा सो दैट की बेनिफिट आपको मिल पाए। तो इसका ये कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए किस तरीके की है। अब मैं इसे फेस पर लगाना अप्लाई करती हूँ, तब तक मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ। पोटैटो में विटामिन बी रहता है, विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, रिंकल्स रिमूव करता है, एक अच्छा टोनर है। इसमें एक एंजाइम होता है जो बहुत हेल्प करता है आपके डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेज, एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में। इसमें पोटाशियम होता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और आपको ये पैक सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रखना है, हमें पूरा ड्राई नहीं करना है पैक को। 50% ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसकी हम हल्के स्क्रबिंग करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई ज़्यादा हो गया है आप रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए या अपने जो हाथ है वो वेट कर लीजिए, गीले कर लीजिए और फिर हम हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करते वक्त मेन फोकस उस एरिया पर रहेगा जहाँ पर आपको मार्क है, पिंपल का मार्क है, वहाँ पर अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और अब मैं फेस पे अपने आइस क्यूब रब कर रही हूँ, इससे बेनिफिट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात, आपको ये रेमेडी ट्राई करनी है वीक में 2 डेज, आपको वीक में 2 ही बार ये रेमेडी ट्राई करनी है। आप अपने हिसाब से दिन चूज कर सकते हैं, 2 बार इसे ट्राई कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको फर्क दिखेगा जब आप इस रेमेडी को 5 से 6 टाइम्स यूज कर लेंगे। मार्क माय वर्ड्स, मैं 5 to 6 डेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 5 से 6 टाइम्स जब आप इस पैक को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको फर्क जरूर दिखेगा। आपके जो दाग हैं वो काफी ज्यादा खत्म हो जाएंगे, मतलब फेड हो जाएंगे, काफी फेड हो जाएंगे जो विजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, सिर्फ एक ही बारी प्रेस कीजिए, अदरवाइज़ वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो में, एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।